एक छोटा सा नोट, जो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, जिसमें आपको कुछ रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दे दी जाती है, फिर एक सरफेस आपको दी जाती है, सरफेस का वर्क फंक्शन आपको दिया जाता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि इन तीन चार फ्रीक्वेंसीज के जो फोटोन है, रेडिएशन है, इनमें से किस रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। आपको एक मेटल सरफेस दे दी गई, एक कॉपर का आपको सरफेस दे दी गई, और आपसे कहा कि कॉपर का वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कॉपर का वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद आपको कहा गया कि तीन रेडिएशन इसके ऊपर आपने इंसिडेंट किए, एक रेडिएशन 500 नैनोमीटर का, एक रेडिएशन 1000 नैनोमीटर का, एक रेडिएशन 2000 नैनोमीटर वेवलेंथ का, या वेवलेंथ ना दे के फ्रीक्वेंसी दे दी जाए आपको, और फिर आपसे कहा जाए कि बताइए इनमें से किस रेडिएशन से कॉपर की सरफेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। तो यहां आपको बिल्कुल सिंपल सी बात होती है क्या, कि आपके जितने भी रेडिएशंस गिवेन है, दो तीन चार, उन सभी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के हेल्प से या वेवलेंथ के हेल्प से आप फोटोन की एनर्जी फाइंड कर लीजिए। सपोज पहला रेडिएशन आपको गिवेन है 400 नैनोमीटर का, 400 नैनोमीटर का आपको रेडिएशन गिवेन है, तो इस रेडिएशन की वेवलेंथ हो गई 400 × 10⁻¹। और अब आप क्या करें, अब आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एच सी बाय लैम्डा, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, सी 3 × 10⁸ मीटर, और जो भी आपको गिवेन है लैम्डा, जो भी आपको गिवेन है, रख करके आप फाइंड कर लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन, या अगर फ्रीक्वेंसी गिवेन है तो एच न्यू से आप फाइंड कर लीजिए। करेक्ट, इनमें से जिस फोटोन की एनर्जी आपके गिवन सरफेस के वर्क फंक्शन से ऊपर होगी या उसके इक्वल होगी, वो फोटोन, वो रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर देगा, और जिस रेडिएशन के लिए फोटोन की एनर्जी आपके सरफेस के गिवन वर्क फंक्शन से कम होगी वो नहीं कर पाएगा। दूसरा रूप इसी क्वेश्चन का यह है कि आपको दो तीन सरफेस दे दी गई, दो तीन सरफेस दे दी गई आपको, और आपको उन तीनों सरफेस के वर्क फंक्शन दे दिए गए साथ में, एक रेडिएशन आपको कहा, एक रेडिएशन आपको दिया, और आपसे पूछा गया कि बताइए इन तीन सरफेस में से कौन सी सरफेस है जिस सरफेस पर ये रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तरीका अब भी वही है कि आप गिविन रेडिएशन का फोटोन की एनर्जी फाइंड कर लीजिए, या तो एच न्यू से या एच सी अपॉन लैम्डा से। करेक्ट, उसके बाद आप ये देखिए कि इन तीन सरफेसेस में किन किस एक सरफेस का, किस एक दो सरफेस का वर्क फंक्शन आपके फोटोन की एनर्जी के बराबर या उससे कम है, वर्क फंक्शन बराबर या कम है, उल्टा तो नहीं लग रहा बोलने में, आपके पास एक सर्टेन एनर्जी का फोटोन है, फोटोन है आपके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। अब आपको चार सरफेस दे दी गई, एक सरफेस ऐसी जिसका वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी सरफेस ऐसी जिसका वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरी सरफेस ऐसी जिसका वर्क फंक्शन 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चौथी सरफेस ऐसी जिसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनमें से जिन दो सर्फेसिस का वर्क फंक्शन आपके फोटोन की एनर्जी से नीचे आ रहा है, वहां से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ये समझ रहे हो, अगर आपको एक सरफेस दे के कई सारे रेडिएशन दिए जाए तो जिस रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ऊपर है वो कर पाएगा, और अगर कई सारी सरफेस दे करके एक रेडिएशन दिया जाए तो जिस सरफेस के लिए वर्क फंक्शन आपके फोटोन की एनर्जी से कम या इक्वल है उस सरफेस के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लिख लेते हैं इस छोटी सी बात को, टू चेक वेदर है। अच्छा, इसी में छोटी सी एक चीज और है क्या, कि कभी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन,
आपसे कहा गया कि एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके ऊपर एक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिसके फोटोन की एनर्जी 3.7। बताइए कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सीधी सी बात यह है, जितनी फोटोन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन घटा दीजिए, फोटोन की एनर्जी 3.7 वोल्ट, वर्क फंक्शन 2.1 वोल्ट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी बची हुई एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ यह नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, जीरो से लेकर के 3.7 में से 2.1 घटाकर कितना बचेगा 1.6, 30 से लेकर के 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की सारी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जिनमें एक नंबर का क्वेश्चन है, करने में आपको 10 सेकंड लगेंगे और हो जाएगा। दो नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा एक मिनट लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, इतने सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता, थोड़ी सी फिजिक्स लगानी होती तुरंत आंसर आ जाता है। लिख लेते हैं इस बात को, टू चेक वेदर अ गिवन रेडिएशन वुड कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और नॉट, वुड कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और नॉट, find the energy of photon of given radiation. Find the energy of photon of given radiation using equation E equals hc upon e lambda electron volt में, hc upon e lambda, अब यह आंसर जूल में नहीं आएगा, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और E equals h nu upon e इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं इतनी बात, अगर आपने केवल hc upon lambda किया तो आंसर जूल में आ जाएगा, अगर आपने केवल h nu कर दिया तो आंसर जूल में आ जाएगा, और इसे आप E से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अक्सर ये सारी एनर्जीज, वर्क फंक्शन और फोटोन की एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी जाती है, क्योंकि जूल में इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, लिखा आपने ये, आगे लिखते हैं, यूजिंग इक्वेशन एच न्यू अपॉन ई लैम्डा और एच सी अपॉन ई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी एनर्जी, जूल में नहीं आएगी। ठीक है, फुल स्टॉप कीजिए। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ गिवन सरफेस इज लेस देन और इक्वल टू, इफ द वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए, फिर अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया जाता है। इफ द वर्क फंक्शन फॉर गिवन सरफेस इज लेस देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन देयर वुड बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,